आप देखें यूरोप के कितने लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस्लाम कबूल करते हैं तो हैरत में आ जाते हैं, इसलिए कि उन्हें 73 फिरके नजर आते हैं, उन्हें 73 इस्लाम नजर आते हैं। और ऐसे में अगर वो हमारे मकतब की तरफ आना चाहें तो हमारे मकतब तक पहुंचने के लिए उनके पास क्या जराए हैं, हमने क्या किया है इसके लिए कि अगर कोई गैर हमारी तरफ आना चाहे तो वो हम तक पहुंच जाए, उनके पास क्या है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा हमारे मकतब को जानने के लिए वो गूगल सर्च करेंगे, इसके अलावा उनके पास वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है, वो भी उन्हीं के हाथ में है, उसमें भी वही इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने हमारे मुतालिक रखी है। क्या वो उसके जरिए से कुरान की इमामिया तफसीर तक पहुंच सकते हैं, क्या वो उसके जरिए से नहजुल बलागा तक पहुंच सकते हैं, क्या वो उसके जरिए से सहीफ़ा सज्जादिया तक पहुंच सकते हैं, क्या वो उसके जरिए से रिसालतुल हुकूक तक पहुंच सकते हैं, क्या वो उसके जरिए से उसूल काफी तक पहुंच सकते हैं, क्या वो उसके जरिए से हमारे मनाबे तक और हमारे उन रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं जो सही हमारे शख्सियत का, हमारे इस्लाम का और हमारे मकतब का तारुफ करा सकें। तो उन तक इस मकतब का तारुफ कराना ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। और मैं इस मंजिल पे आके ये जुमला जरूर कहता हूं कि सफीर इमाम हुसैन सिर्फ मुस्लिम इब्ने अकील नहीं है बल्कि हम में से हर एक हुसैन का सफीर है। जो जहां पे है उसकी जिम्मेदारी है कि सफीर वो होता है, एम्बेसडर वो होता है जो तर्जुमानी करता है, जो तहजीबी तौर पर, सकाफती तौर पर, इल्मी तौर पर, फिक्री तौर पर उस शख्सियत की तर्जुमानी करता है, उसका पैगाम आगे पहुंचाता है जिसका वो सफीर होता है। तो हम में से हर एक, वो तालिब इल्म हो, वो ऑफिस में काम करने वाला कोई शख्स हो, वो कोई ताजिर हो, जब जहां किसी से मिले ये हमारा फरीजा इंतजार न करें, ये न देखें कि हमारे पास जब रिसोर्सेज आ जाएंगे तब ऐसा होगा, बल्कि जहां जितना जिस कदर जो कर सकता है वो अपने एतबार से इन मनाबे का तारुफ कराए और उनको बताए कि अगर हमारे मकतब का सही तारुफ हासिल करना है तो गूगल के ऊपर भरोसा न करें, किसी गैर से ना पूछें, दूसरों से हमारे मुतालिक ना पूछें, वो नहीं बताएंगे। अगर मालूम करना है तो आए हमसे मालूम करें और उन मकातिब की उन किताबों तक आए, हमारे उस खजाने तक आए, हमारे उस जखीरे तक आए, नहजुल बलागा पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि शियत क्या है, सहीफ़े सज्जादिया का मुतालिया होगा तो मालूम होगा कि शियत क्या है। शियत अकीदे के अंधेपन का नाम नहीं है और शियत कोई आंधियों की जद पे रखा हुआ चराग भी नहीं है जिसे हवा के झोंके गुल कर दें। ये बात बताने और पहचानवाने की जरूरत है कि शियत सिर्फ गिरिया और जारी नहीं है, हरकत और बेदारी का नाम शियत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।